कस्बा कोसीकला में बस स्टैंड के समीप पिछले 3 दशक से अपना क्लिनिक चला रहे एक चिकित्सक के साथ नामजदों ने मारपीट कर दी। पीड़ित चिकित्सक ने थाने पहुंचकर पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। थाना कोसीकला के बस स्टैंड के समीप एक क्लिनिक संचालक गणेश ने कई नामजद लोगों के खिलाफ जबरन क्लिनिक में घुसकर मारपीट करने व क्लिनिक में रखी दवाओं और आवश्यक सामान को उठाकर ले जाते हुए क्लिनिक के गल्ले में रखे 1 लाख रुपए की नकदी ले जाने का आरोप लगाया है। पीड़ित डॉक्टर गणेश का कहना है कि उक्त दुकान वर्षों पुरानी है, जिसका उन्होंने कुछ नकदी पैसा भी दुकान मालिक को दे रखा है, लेकिन दुकान मालिक कमल अपने कुछ साथियों के दम पर दुकान को जबरन खाली कराना चाहता है। पीड़ित ने पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए बताया कि क्लिनिक संचालक प्रतिदिन की तरह अपना क्लिनिक खोलने के लिए आया था, तभी कमल व उसके साथी दुकान के अंदर घुस आए और दुकान पर बैठे उसके भतीजे के साथ मारपीट करते हुए दुकान के अंदर रखे मेज, कुर्सी, स्टूल, पंखा व इन्वर्टर बैटरी और 20,000 की दवाओं को निकाल कर ले गए, जिसकी शिकायत करने चौकी पहुंचे तो कोई नहीं मिला। तब जाकर थाना पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कर पुलिस से घटना को अंजाम देने वालों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की मांग करते हुए न्याय की गुहार लगाई है। 31 साल से मेरे पास वो किराए पे है और मकान मालिक का जो लड़का है, मकान मालिक तो जो उसका बाप है वो तो मर गया है, वो लड़का है, लड़का धमकी देता रहता दुकान खिला दो, दुकान खिला दो, नहीं मैं गुंडों से खलवा लूंगा। कई बार उसने भूमाफियाओं के थ्रू धमकी भी दिलवाई है। हमने दुकान उसको खिलाक नहीं दी क्योंकि हमें 31 साल से किराया था ना, उस समय हमने पकड़ी भी दी। 31 साल से हम किराया दे रहे हैं उसको। दो तीन महीने से लॉकडाउन से दे दिया, अब बिजली का कनेक्शन हमारे नाम से। आज मेरा भतीजा जब दुकान खोलने आया, इसने सफाई पुछाई की थी दुकान की, झाड़ू वगैरह निकाल कर ये बैठा और आके 5-7 लोग इस पर हावी हो गए थे, इसको गाली गलौज की, हाथापाई की, जैसे तैसे इसने आनंद फानंद में दुकान का 1 लॉक लगा दिया और ये वहाँ से भाग के आ गया। इसने और फ़ोन किए, 2-4 लड़के और आ गए, फिर हम पुलिस के लिए गए हैं, पुलिस चौकी में। वहाँ बाई चांस इंचार्ज साहब मौजूद नहीं थे, किसी कहीं गए हुए थे, फिर हम थाने आ गए। इतनी देर में वो लोग आए और दुकान का ताला तोड़ के सारा सामान भर के ले गए।